तो मेरे ताऊ जी कैसे हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आईडी के अंदर बहुत सारे मैजिक क्यूब हो गए लाइक मेरी तरह, लेकिन अब दुख दर्द पीड़ा का अंत होने वाला है क्योंकि 4 दिसंबर को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट करा जाएगा, जिसके अंदर आपको अच्छे खासे रेयर बंडल क्लेम करने को मिलेंगे। मैं आपको पूरी लिस्ट शो करने वाला हूँ और साथ ही में आप लोगों बैकपैक की स्किन को अब गोल्ड से भी परचेस कर सकते हो। आखिर अपन सभी को लोली इमोट कैसे क्लेम करने को मिलेगा, बंडल गेम के अंदर वापस कब करा जाएगा, स्टोर के अंदर काफी सारे आइटम में आपको डिस्काउंट क्लेम करने को मिलेगा और अपडेट निकल के आ गई है स्काफ की स्किन इवेंट को लेकर भी। आप सभी के डिमांड के ऊपर कवर करने वाला हूँ अपने थ्रोन इमोट रिटर्न को लेकर। टोटली वायलो का तोता बोले टे टे टे, तू बकरी बोले। तो मेरे ताऊ जी, अगर बात करें आज रात की मध्य रात्रि अपडेट टूनेट अपडेट की, तो कल अपने गेम के अंदर नागी बंडल को लेकर आपको एक रिंग इवेंट दिखने को मिलेगा। बंडल के साथ में आपको मिलेगी फामस की स्किन एक इमोट, और तुम्हें पता होगा इससे पहले अपने गेम के अंदर एक इसागी बंडल को लेकर रिंग इवेंट आया था। भाई पता है खास बात क्या है, तुम्हारे भाई ने वो इसागी बंडल निकाल लिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो भाई बैकग्राउंड में मेरा गेम प्ले भी तुम देख लो भाई, ठीक है। कत्ते मजा आ गया भाई, बंडल को मेरे को बहुत अच्छा लगा है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली फैमिली देखती है, वरना देख। मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद। हाँ, इस अपडेट के अंदर गरना ने एक भी रेयर रिवॉर्ड जो कि पुराना हो गेम के अंदर लाके नहीं दिया, और यहाँ तक कि ऐसे काफी सारे नए रिवॉर्ड्स आफ्टर अपडेट के बाद ऐड करे गए थे। साला अपडेट एंड होने को है लेकिन नए रिवॉर्ड्स को लेकर भी गेम में कोई इवेंट आया ही नहीं, लेकिन एक रिवॉर्ड्स को लेकर अपडेट्स मिले हैं जो अपने आफ्टर अपडेट के बाद सेविक की थीम पे रिवॉर्ड्स कुछ ऐड करे गए है। लाइक इस इवेंट के अंदर एक मस्त सा मेल बंडल है, एक इमोट है, एक फीमेल बंडल है, चोकरी का बंडल, और यहाँ पे है एक मस्त सी वॉल की स्किन। इनको लेकर फाइनली एक मस्त अपडेट्स निकल के आई है कि अब इनको लेकर आफ्टर अपडेट के बाद स्टार्टिंग के वीक के अंदर ही इसको लेकर आपको रिंग इवेंट दिखने को मिलेगा। हालांकि अपने गेम के अंदर जल्द भी आ सकता था, लेकिन अभी अपना जो ब्लू लुक कोलैबोरेशन इवेंट के बंडल स्पेंडिंग में पड़े हैं ना, उनको लेकर रिंग इवेंट आ रहा है। सब कुछ एंड होते इसको लेकर रिंग इवेंट आएगा। एकदम से मज्जा मज्जा वाली बात ये है कि यह आपको एक यूनिवर्सल रिंग इवेंट के अंदर यूनिवर्सल टोकन वगैरह आपके पास हो गए तो उनका भी आप लोग यूज कर पाओगे। सो या अगर आप लोगों को रिवॉर्ड्स अच्छे लगते हैं तो डायमंड को सेव करके रख लो, अदरवाइज आपके पास जो यूनिवर्सल टोकन वगैरह पड़े हुए अगर फालतू के रिंग इवेंट आते हैं तो उसके अनुमंदर बर्बाद ना करके इसके लिए सेव करके रख लेना। क्या आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आपके पास टोटल अभी कितने यूनिवर्सल टोकन वगैरह पड़े हुए, कमेंट के अंदर बता देना। अच्छा, करंटली आप लोग जिप लाइन का यूज करके सिर्फ लोकेशन को कवर कर सकते हैं, इस लोकेशन से उस लोकेशन तक जा सकते हैं, लेकिन आफ्टर पेज अपडेट के बाद जिप लाइन को आप लोग पकड़ के फायर वगैरह भी कर पाओगे। यार फाइनली भाई मेरे को जिप लाइन का यूज करते वक्त एनी मैंने भाई बहुत ही भाई ठीक है दौड़ा दौड़ा के मारा है, लेकिन अब मैं भी आफ्टर अपडेट के बाद जिप लाइन को पकड़ के एनिमी को भी फायर करके मार सकता हूँ। आफ्टर पेज अपडेट के बाद जिप लाइन का यूज करके आप फायर कर सकते हो, गन को स्विच कर सकते हो, स्कोप को ओपन करके फायर कर सकते हो, और वो भी डिफॉल्ट एम के ऊपर। गजब, ये गरेना ने अपने इमोट पार्टी इवेंट को गेम से रिमूव करके अच्छा नहीं करा। अब ठीक है रिमूव कर ही दिया है तो इसके जगह पे रोल आता था, लेकिन रोल इवेंट देखो, हेलोवीन का रोल इवेंट पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अपने वर्ल्ड सीरीज इवेंट का रोल इवेंट पेंडिंग में पड़ा हुआ है, साला इमोट को लेकर भी रोल ये टाइम से लाके देता ही नहीं है। और अब यहाँ पे तुम सभी लोग उम्मीद रख के बैठे हुए हैं कि फेक भाई अपना लोली इमोट कब आएगा, तो देखो इमोट पार्टी इवेंट तो अब आने से रहा तो लोली इमोट आएगा रॉयल इवेंट के अंदर, लेकिन आखिर रॉयल इवेंट आएगा कब? एक तो हेलोवीन का पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वर्ल्ड सीरीज का पेंडिंग में पड़ा है, वो भी नहीं आया, तो आखिर लोली इमोट का रॉयल कब आएगा? हाँ, सो एज ए लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग इस बार गरना अपने हेलोवीन इवेंट को काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने वाला है। नेक्स्ट दिसंबर महीने के अंदर आने वाले विंटरलैंड इवेंट के अंदर कुछ खास इमोट है नहीं, तो इसलिए जो अपना लोल इमोट है इसको लेकर आपको रोल इवेंट देखने को मिलेगा। डेट को लेकर तो मैं आपको कोई अपडेट दे नहीं पाऊंगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि काफी सारे रोल्स इवेंट पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो इसके चक्कर में लोल इमोट को लेकर रोल इवेंट भी डिले हो सकता है या फिर इससे पहले भी आ सकता है, तो ऑफिशियली बैनर्स आते ही मैं आपको बता दूंगा। बताओ, आफ्टर पेच अपडेट के बाद CS रैंक 29 के अंदर आपको UMP की स्किन, एक पैन की स्किन, टी शर्ट, एक लूटबॉक्स
की स्किन और फालतू के अवतार भी अंदर मिलेंगे। साथ में आफ्टर पेच अपडेट के बाद BR रैंक 43 के अंदर आपको 100 गोली वाली गन का एक स्किन मिलेगी, बैट की स्किन, सर्फबोर्ड की स्किन और एक टी शर्ट और बाकी के फालतू के अवतार और बैनर। ये दोनों सीजन आई मीन अपना CS और BR का दोनों का सीजन का टी शर्ट का अगर मेरे पास रिव्यू वगैरह आ गया होगा तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। कमेंट के अंदर बताना कि आपको टी शर्ट वगैरह कैसे लगे है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू जब से एडवांस सर्वर के अंदर कोबरा मेडल का टोकन ऐड करा गया है तब से सभी यूट्यूबर बस एक ही अपडेट दे रहे कि कोबरा मेडल नेक्स्ट महीने आ जाएगा, उस महीने आ जाएगा, लेकिन साला अब तो कोई स्कॉर्पियो लेकर के अपडेट देता ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन देखो एक चीज को याद रखना, जब तक गेम के अंदर स्कॉर्पियो बंडल नहीं आ सकता तब तक गेम के अंदर कोबरा भी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले स्कॉर्पियो आएगा फिर इसके बाद आएगा कोबरा। स्कॉर्पियो बंडल भी लाइक अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, ठीक है। स्कॉर्पियो बंडल का तो कहते जलवा है। हाँ, तो जो कोबरा बंडल है उसका कनेक्शन है अपने नारुतो कोलैबोरेशन के साथ में, जो कि जनवरी महीने के अंदर होने वाला है, यानी इससे पहले आई मीन नेक्स्ट दिसंबर महीने के अंदर स्कॉर्पियो आ जाना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात ये नहीं है कि नेक्स्ट महीने गर्ना स्कॉर्पियो मंडल को लॉन्च क्यों करेगा, क्योंकि जबकि गेम में एक नया विंटरलैंड का ईव मंडल आने वाला है। बात सही है। देखो यार मत बोलो, ये वही गर्रा का मालिक चावली है जो कि कभी कभी गेम के अंदर इतने इवेंट को लाके दे देता है कि डायमंड की कमी महसूस होने लगती है, और कभी कभी इवेंट इतने घटिया आते हैं कि डायमंड बस आईडी के अंदर पड़े रहते हैं। सो आई थिंक आने वाले 15 से लेके 20 दिसंबर के बीच में स्कॉर्पियो बंडल गेम के अंदर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन याद रखना ये एक लीक्स के अकॉर्डिंग अपडेट है, फिर नहीं आएगा तो आप बोलोगे कि फेक भाई आपने बोला था यार आया नहीं। एक बात को हमेशा आपको याद रखना है कि मैं आपको जब तक किसी भी इवेंट का ऑफिशियल बैनर ना दिखा दो तब तक कोई भी इवेंट कंफर्म नहीं होते, बाकी वो सिर्फ एक लीक्स के अकॉर्डिंग अपडेट ही रहती है। ठीक है। हमारे गेम के अंदर जितने भी स्काफ की स्किन आई है वो आज से तकरीबन 3 या फिर 4 साल पहले गेम के अंदर स्काफ की स्किन ऐड करी गई। इसके बाद जो भी स्काफ की स्किन आई वो भी बहुत ही कम स्काफ की स्किन आई, लेकिन आफ्टर पेच अपडेट के बाद एक और नई स्काफ की स्किन आने जा रही है। तो भाई अपना मैं होनेस्ट ओपिनियन दूं तो यार थू यार ये स्काफ की स्किन कम लग रही है, ठीक है, और कते प्लास्टिक की स्किन ज्यादा लग रही है। लेकिन भाई कोई चिंता नहीं, ठीक है, जो अपडेट के बाद विंटरलैंड इवेंट तो आ रहा है और अब तक गेम के अंदर विंटरलैंड इवेंट के थीम पे बहुत सारे स्काफ की स्किन को गराना डिजाइन करा है। अब क्या पता जो नई स्काफ की स्किन है इसको लेकर ये ओल्ड अपने स्काफ की स्किन को लेकर रोल आ जाए, नहीं तो पुराने स्काफ की स्किन को लेकर तो इस टाइप का रोल इवेंट आएगा ही जिसके अंदर आपको पुराने अच्छी खासी स्काफ की स्किन देखने को मिल जाएगी। तकरीबन 25 दिसंबर से पहले स्काफ की स्किन को लेकर आपको इवेंट देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको पुराने स्काफ की स्किन को परचेस करना चाहिए, नई वाली तो भाई कुछ खास नहीं लगी मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपनी आंखों को फाड़ के आप लोग ये देखो, बैकपैक इन गोल्ड, यहाँ पे आपको बहुत सारी बैकपैक की स्किन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप लोग डायमंड से भी परचेस कर सकते हो, साथ में आप लोग परचेस करते हो गोल्ड से भी। बैकपैक की स्किन तो आप लोग गोल्ड से परचेस तो कर ही पाओगे, साथ में लूटबॉक्स की स्किन भी कुछ ऐसी यहाँ पे आपको क्लेम करने को मिल जाते हैं, जो कि आप लोग गोल्ड से परचेस कर सकते हो। गजब। बात यहाँ तक नहीं रुकती, आप लोग सर्फबोर्ड की स्किन से लेके पैराशूट की स्किन भी आप लोग गोल्ड से परचेस कर पाओगे, साथ में आप लोग परचेस कर पाओगे व्हीकल की स्किन को भी गोल्ड से। नहीं 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 सारुंग के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। आप लोग नोटिस करो, हर आइटम जो कि गोल्ड से यहाँ पे क्लेम करने को मिल रही है वो सारी आइटम नॉर्मल सी है, आई मीन इसके अंदर कोई भी एनिमेशन आपको नहीं मिलता है। ये वो बैकपैक की स्किन है जो कि ऑलरेडी अपने को फ्री में क्लेम करने को मिल चुके, नहीं तो कुछ नहीं है, लेकिन एनिमेशन तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सो आफ्टर पेच अपडेट के बाद स्टोर के इन सेक्शन के अंदर जिन रिवॉर्ड के अंदर कोई भी एनिमेशन नहीं होगा वो आप लोग गोल्ड से भी परचेस कर पाओगे, है ना, कहते मस्त सी बात। खाओ माँ कसम। एक भाई ने कहा है कल 28 अक्टूबर है, तेरी वीडियो में तूने बोला था कि थ्रोन इमोट रिटर्न आ जाएगा, कहाँ है बे? ऐसा है, ये जो आप लोग पायरेट फ्लैग इमोट को देख रहे हो अपने वर्ल्ड सीरीज इवेंट के थीम पे है। नॉर्मल सी बात है, वर्ल्ड सीरीज इवेंट जब चलेगा तो इसको लेकर इवेंट आ जाएगा, लेकिन इंडिया में देखो नहीं आया जबकि हर सर्वर के अंदर आ गया। वर्ल्ड सीरीज इवेंट के थीम पे जो पायरेट फ्लैग इमोट है इसकी वजह से अपडेट्स निकल के आई थी अपने ओल्ड थ्रोन इमोट को लेकर भी। सो जो मेरे पास
अपडेट्स थी वो मैंने आपको तो दे ही दी थी। अब यहाँ पे देखो अब क्या हो सकता है, आफ्टर पेच अपडेट के बाद एक और नया थ्रोन इमोट आएगा ये वाला। हाँ भाई वही अपना, ठीक है भाई, टूटा फूटा थ्रोन इमोट। तो गर्ना का प्लान भाई क्या पता आफ्टर अपडेट के बाद इसी थ्रोन इमोट के साथ पुराने वाले थ्रोन इमोट को लॉन्च करना चाहता हो। मैंने अपनी तरफ से जो भी अपडेट निकल के आई थी वो सारी मैंने आपको बताई थी। अब गर्ना वो इवेंट को गेम में लाता ही नहीं है जो कि इवेंट इंडिया के अंदर आना चाहिए, तो मैं ही क्या ही कर सकता हूँ। नॉर्मल सी बात है कि वर्ल्ड सीरीज इवेंट के थीम पे रिवर्स अगर डिजाइन करे है तो इनको लेकर इवेंट तो आना चाहिए, लेकिन नया वाला पायरेट फ्लैग इमोट भी नहीं आया है। बाकी आप लोग चिंता मत करो, जो अपना नया पायरेट फ्लैग इमोट है इसको लेकर तो जल्द इवेंट आ ही जाएगा, लेकिन थ्रोन इमोट को अगर अपना टूटा फूटा जो थ्रोन इमोट के साथ में लॉन्च करने वाला होगा तो मैं आपको और भी अपडेट दूंगा। ठीक है। अरे वो भी क्या दिन थे यार, जब अपने गेम के अंदर हर एक दो महीने के बाद स्टोर के किसी ना किसी सेक्शन के अंदर डिस्काउंट इवेंट वगैरह आता रहता था। घर ना भी लाइक वो जमाना भूल जाओ और मेरे कद्दू पकड़ के झूल जाओ। हालांकि कद्दू बहुत पकड़ लिया अपन लोगों ने बात करे स्टोर डिस्काउंट इवेंट की। सो नेक्स्ट महीने ही अपने गेम के अंदर विंटरलैंड इवेंट के स्पेशली स्टोर के अंदर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि कौन सा सेक्शन। सो लाइक बाइलो को कुछ गन के क्रेडिट्स वगैरह, अपनी वॉल की स्किन वगैरह, आई मीन मिली की स्किन वगैरह, इनके अंदर आपको 50% ऑफ क्लेम करने को मिलेगा। फिलहाल जो अपना गिफ्ट ट्विटर 15 ऑफ को लेकर कोई अपडेट्स नहीं है, मैं इसको लेकर एक बार अपडेट्स मैंने दी थी कि अपना जो अपना वैलेंटाइन डे इवेंट आने वाला है ना, ठीक है भाई, उस टाइम पे आपको गिफ्ट ट्विटर के अंदर 15 क्लेम करने को मिलेगा, बाकी इससे पहले तो ये नहीं आने वाला। सो या अगर कोई गन के क्रेडिट्स वगैरह, ठीक है, कुछ गन्स वगैरह आपको परचेस करने है, कुछ वॉल की स्किन वगैरह आपको अच्छे लगते है, कोई मिलियन की स्किन वगैरह आपको अच्छे लगते है, तो आफ्टर पेच अपडेट के बाद इनमें आपको 15 ऑफ क्लेम करने को मिलेगा। आप उम्मीद रख सकते हो कि आने वाले 15 दिसंबर तक डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 13 दिसंबर को तो गेम के अंदर विंटरलैंड इवेंट भी स्टार्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू। वेल भाइयों का अगर बात करें मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट की, सो अभी जो मैं आपको मैजिक क्यूब के बंडल शो करूंगा इनमें से आधे से ज्यादा बंडल अपने मैजिक क्यूब के अंदर ऐड करे जाएंगे, जिसके अंदर है अपना हिटमैन डाउनलिट बंडल जो कि भाई एक ओल्ड डायमंड रोल का बंडल है। सॉरी नाम मैंने इसका गलत बोल दिया, ठीक है, बाकी रहेगा इसका एक फीमेल बंडल, दोनों अपने ओल्ड डायमंड रोल के बंडल है, पॉसिबल है कि आपके पास ऑलरेडी हो। एक ग्लाडिएटर वाला बंडल आपको इसके अंदर क्लेम करने को दिया जाने वाला जो कि आप लोग देख लो। हालांकि इस टाइप के बंडल्स वगैरह ऑलरेडी मैजिक क्यूब के अंदर हुआ करते हैं, साथ में इसका फीमेल वाला बंडल परचेस नहीं करो तो बेहतर है, दोनों भंगा टाइप के बंडल है। अगर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो इसे परचेस कर सकते हो। बाकी अगर बात करें नेक्स्ट बंडल की तो मगमा बोर्न बंडल जो कि ये भी एक ओल्ड डायमंड रोल का बंडल है एड करा जाने वाला है। हाँ ये वाला बंडल बहुत मस्त है, ठीक है, खास करके इसका टॉप और इसका बॉटम आपको अच्छा मिल जाते हैं। और यहाँ पे है अपना एक वेनम वाला बंडल, ये अपना एक ओल्ड मैजिक क्यूब का बंडल है, काफी बढ़िया है, लेकिन के खेले में दिक्कत ये है कि ये भारी भरकम फील होता है। पिछले कुछ वक्त से जो भी मैजिक क्यूब के बंडल से आए हैं वो सभी घटिया है। अपने को कुछ यहाँ पे इस बार के मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के अंदर अच्छे खासे इनक्यूबेटर के दो बंडल क्लेम करने को मिलेंगे, एक मेल का और एक फीमेल का। प्रे एक्सेस के अंदर अपना IMP हेड वाला जो इनक्यूबेटर है इसके 4 बंडल शो कर रहे, अब इनके अंदर से 2 बंडल से एड करे जाएंगे, एक मेल का और एक फीमेल का। ये एक ओल्ड इनक्यूबेटर के बंडल है, ठीक है, तो जो टॉप वाले बंडल्स वगैरह हो गए वो एड नहीं हो गए, सबसे लास्ट में जो इनक्यूबेटर वाले नॉर्मल से बंडल्स वगैरह हो गए वो अपने मैजिक क्यूब के अंदर ऐड करे जाने वाले हैं। लेकिन जो भी आए काफी मस्त इनक्यूबेटर है, हर बार मैजिक क्यूब को लेकर इनक्यूबेटर को लेकर अपडेट आती है, लेकिन ये अलग बात है कि आते नहीं है, लेकिन इस बार भी वापस अपडेट से तो बता दिया। और आप सबकी डिमांड है कि बंडित बंडल और अपना ब्लू जोकर वाला बंडल ऐड करा जाए, तो देखो मुझे अंदर से अपडेट्स वगैरह मिली है कि इन दोनों के अंदर से एक बंडल जल्द अपने मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के अंदर ऐड करा जाने वाला है। अब वो अपना बंडित बंडल भी हो सकता है या फिर अपना जोकर वाला बंडल जो कि आपको नेक्स्ट अपडेट पता चल जाएगा। मैंने जो आपको बंडल शो करे उनके अंदर से अपने मैजिक क्यूब के अंदर बंडल से ऐड करे जाने वाले, कुछ खास उम्मीद मत रखना, अगर इनक्यूबेटर के ऐड होते तो वही आपके काम आएंगे, बाकी जो भी बंडल्स वगैरह हो गए वो तो आपके पास ऑलरेडी हो गए और वो टट्टी ही हो गए। और 4 दिसंबर को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होगा, और ये देखो मेरी आईडी के अंदर 7 मैजिक क्यूब पड़े हुए हैं और तकरीबन 120 से भी ज्यादा मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट्स। जरा कमेंट के अंदर बताओ कि तुम्हारे पास कितने मैजिक क्यूब पड़े हैं, और नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट में कौन सी ईवो गन आएगी 100% कंफर्म हो गया है, जानना है लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट लकी वीली इवेंट कब आएगा, कौन से रिवॉर्ड्स के साथ में, जानना है राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो।